शिवपुरी में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली लड़की से लव मैरिज कर ली। इससे गुस्सा लड़की के परिजन ने युवक के घर पर कब्जा कर लिया। युवक के माता पिता को उसके ताऊ के घर में शरण लेनी पड़ी। मामला दिनारा के डामरोन कला गांव का है। सौरभ नामदेव 26 अपनी पत्नी खुशबू और माता पिता के साथ कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा। सौरभ ने बताया कि पति पत्नी को जान का खतरा है, दोनों 4 महीने से गाँव में घुस नहीं पा रहे हैं। कपल ने कलेक्टर से मकान पर कब्जा दिलाने सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने सुनवाई नहीं होने पर सुसाइड करने की धमकी भी दी। वहीं सौरभ ने बताया 8 साल पहले वे काम की तलाश में भोपाल आ गया था। जॉब तो भोपाल में ही रहने लगा, गांव आना जाना लगा रहता था। 1.5 साल पहले घर आया तो पड़ोस में रहने वाली 19 साल की खुशबू परिहार से मुलाकात हुई। कुछ देर बात करने के बाद हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए। सौरभ ने बताया बातचीत प्यार में बदल गई तो घर आना जाना ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद शादी करने का फैसला किया, लेकिन दोनों अलग अलग समाज से हैं। लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए। खुशबू ने कई बार पिता से बात की लेकिन वे नहीं माने। पिता के बार बार मना करने से खुशबू नाराज हो गई। 27 मार्च 2024 को घर से भागकर अकेले भोपाल आ गई। खुशबू भोपाल आई इसकी मुझे खुशी थी, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था। मैंने खुशबू के पिता को कॉल कर भोपाल बुलाया और उसे वापस गांव भेज दिया। उसके पिता बहुत नाराज थे, उन्होंने खुशबू को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। परेशान होकर वह फिर 1 अप्रैल को भागकर भोपाल आ गई। सौरभ ने बताया खुशबू को वापस गांव भेजने की जगह शादी करने का फैसला किया। 3 अप्रैल को भोपाल के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। 27 मई को कोर्ट से भी रजिस्टर करा लिया। हम भोपाल में ही रहने लगे। जब खुशबू के परिजन को इसका पता चला तो वे धमकाने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रमुखी नाम देवासागर करता। कहाँ रहते हो आप? ग्राम डामलोन कलाम। कहाँ, कौन से थाने में आता है? दिनारा थाने। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? मेरा लड़का एक बगल में मेरी आप परिवार रहते हैं, उनसे एक लड़की ने मेरे जो लड़का लड़की ने शादी कर ली है, तो अब लड़की वाले मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे घर पे पहले मुझे मारा, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं भाई। फिर दूसरे मेरे घर पे ताला डाल दिया, ताला डाला तो मैं ताले खुलवाने के चक्कर में चक्कर काटी मैंने। फिर ताला खुलवाने के चक्कर में उनने मुझसे बोला कि थोड़े सामान भर लो, कुछ दिन बाहर रहो, बाहर रह के फिर बाद में देख ले, बोले जब ठंडा माहौल हो जाए तब देखना बोले। तो आप सामान कुछ निकालने के लिए गए तो मेरे घर की मेरी बहू की देवरात मेरे घर के कब पूरे आधार कार्ड खाते वगैरह कागज वगैरह वो भी उठा ले गए, सब कपड़ा बासन सब कुछ। और फिर जो कुछ बचा था अपने उसमें से उठा के ले आई घर से। और फिर मेरे घर पर कौन करता परेशान? लड़की के घर वाले और परिवार वाले, जो परिवार है उनके भैया है। तो थाने में से थाने में रिपोर्ट लगाई आपने? नहीं गए थे सर, उनने नहीं, थाने वाले बोले सुबह चलना आना, बोले रिपोर्ट लिखवाया ना चोरी की। फिर ना चोरी की रिपोर्ट उन्होंने बैठा लिया और कुछ नहीं किया। सवेरे से फिर कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। निर्णय तो हुए हर कछु चीज का निर्णय कहाँ नहीं हो रहा। मैं मानूंगी कि आज लड़के मेरे लड़के ने अकेला किया है तो मैं मान जाऊंगी। अगर मेरे लड़के ने अकेला किया हो तो मैं उसके लिए दंड के अपराधी हूँ, या फिर हुए नहीं अब तो भी मैं दंड के अपराधी हूँ। और नहीं तो मेरी सुनवाई की जाए और मेरा न्याय किया जाए। मैं एक आशा कार्यकर्ता हूँ, मैं गांव में काम नहीं कर पा रही, मेरे ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है, बताओ मैं कैसे की। आपके लड़के का नाम क्या है? सौरभ। और लड़की का? लड़की का खुशबू परिहार। एक ही गांव के है? एक ही गांव के है सर, बगल में मेरे मकान पर कब्जा कर लिया गया है मेरे, और ताले तोड़वा दिए ताले। और कलेक्टर साहब के पास आए तो क्या कहा कलेक्टर साहब ने? अभी तो आवेदन ले लिया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। थाने में सुनवाई नहीं हो रही आपकी? नहीं हमें कहीं सुनवाई नहीं है, हम भोपाल तक हुआ है केस। हर चीज का निपटारा तो होता है किसी न कैसे ही न कैसे। लव मैरिज की है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? सौरभ नाम दे मेरा नाम है। आज जन सुनवाई में आए हो, किस कारण से? हमने लव मैरिज की है तो लंबे हमने मतलब सब जगह आवेदन दिया, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो कलेक्टर साहब के पास भी आए थे तो उन्होंने सिर्फ जैसा साइन एक साइन छोटा सा साइन कर देते हैं और इधर उधर भेज देते हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। क्या परेशानी है? इनके घर वाले परेशान कर रहे हैं हमें, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारे मकान पे कब्जा कर लिया, चोरी कर ली, सारी चीज़ें कर ली इनके घर वालों ने। और ये की चीज़ बोलते हैं कि हमने तो अपनी लड़की बेच दी, हमें या तो 5 लाख रुपए दो या हमारा ये मकान हमारे कब्जे में हो गया। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा मरने के अलावा, अब क्या करें। हमने शादी इसके लिए की थी कि हम मर जाएँ, मरना होता तो हम पहले ही मर जाते हैं। शादी कितने दिन हुए? 5-6 महीने हो गए हमारे, ये है ना शादी का। तभी से परेशान हो रहे हैं? तभी से परेशान हो रहे हैं हम 5 महीने से, दर दर भटक रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। क्या धमकी देते हैं? जान से मारने की धमकी देते हैं। और मेरी माँ के साथ तो हाथापाई भी की है, मेरी माँ को मारा भी था इनके मम्मी ने और इनकी दादी ने। किस गांव में? डामरून कला, ग्राम डामरून कला, जिला सिपरी में लगती है। तो क्या घर में ताला लगा दिया? तो घर में ताला डाल दिया था, ताला तोड़ लिया, मकान वो भी तोड़ दिया और दीवार तोड़ दी और ताले वाले सब तोड़ ताड़ के इनकी दादी रह रही है, इनके भाई भाई और इनके सब लोग घर में रह रहे हैं उसी घर में। और आप क्या रह रहे हैं? हमें बाहर निकाल दिया है, रहने नहीं दे रहा। मम्मी पापा को भी नहीं रहने दे रहा गाँव से।
अरे कहाँ रहते हैं आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा दूसरे घर में रहते हैं, ताऊ के यहाँ पे, रहने नहीं दे रहा है वो, हम लोग बाहर रहते हैं भोपाल। तो लड़की का नाम क्या है? खुशबू परियार। अच्छा, वो परियार है आप नाम दे वो जी। एक ही गांव के हो? एक ही गांव के हैं। कहाँ पे की थी आपने शादी? भोपाल में शादी की थी। अच्छा, और हमने सब जगह दिनारा थाने में बयान दे दिए, दिनारा थाने वाले कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम आवेदन देते हैं तो आवेदन की रिसीविंग नहीं दी थी हमारे लिए, और वहाँ जाते हैं तो वो कोई स्टार है, कोई सिंह वाली है, क्या नाम है उनका, दरोगा जी का, वो हमें गाली दे के और धुतकार के भगा देते हैं। मतलब आपके हमारे ऊपर, मतलब हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं, इनके घर वालों पे कोई एक्शन नहीं उठाते कि इनके घर वालों को समझाएं कि तुम्हारी बच्ची ने जो किया है, चलो उसके लिए माफ़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, घर वालों के दबाव में है वो। हाँ, पुलिस वाले, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या क्या करोगे? आत्महत्या कर लेंगे, यहीं करेंगे। और आत्महत्या आज हम बिल्कुल उसी मूड से आए हैं, यहाँ आज कलेक्टर ऑफिस आए तो इस मूड से आए कि आज हम यहीं मर के जाएंगे आपसे, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। आपके पिताजी का नाम क्या है? केशव प्रसाद नाम दे। इनके पिताजी का? अशोक परियार। कितने साल की है? बोलो तो। 19 साल की। 19 साल की। क्या नाम है पूरा? खुशबू परियार। आपने इनसे शादी राजी से की है? राजी से की है। माता पिता को बताया था? नहीं बताया था। फिर अब बाद में मालूम पड़ी तो क्या कर रहे हैं? मुझे जॉइंट मारने की धमकी दे रहा है, मकान में कब्जा कर लिया, बोला है मकान चाहिए आप पैसे दे दो, 5 लाख रुपये। 5 लाख दे दो तो फिर शादी कर लो। अपनी लड़की बेच दी। अच्छा, बेच रहे हैं।